Hey guys, welcome back to my channel Bulbul's Box of Magic and I'm beautician Bulbul. आज मैं उस चीज पे बात करने वाली हूँ जो आजकल की आम समस्या हो गई है. ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि आईब्रोज एकदम थीन हो जाना और आईलैशेस भी कम हो रही है. इसका रीजन ये है कि आजकल ज्यादातर यूजेस हो रहे हैं केमिकल्स के, जैसे हम आईब्रो पेंसिल्स डेली यूज में ले आए हैं, मस्कारा डेली यूज में हो चुका है. तो जो डेली यूज हम कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हम अच्छा दिखना चाहते हैं और सब कुछ हम चाहते हैं कि हमारा परफेक्ट रहे, इसीलिए हम ये सब कुछ यूज कर रहे हैं. मस्कारा यूज अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन आप उसका जो साइड इफेक्ट है उसके लिए भी कुछ कीजिए. आईब्रो पेंसिल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो यूज ना करें, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हम इसका एक सॉल्यूशन भी तो निकाल सकते हैं ना, कि हमको इसका यूज करना ही ना पड़े, हमारे नेचुरल ऐसा हो जाए कुछ मैजिक की जैसे हम जैसा चाहते हैं, हमारे आईब्रोज ठीक चाहते हैं तो ठीक हो जाए, लैशेस आजकल हर कोई ठीक चाहता है तो ठीक हो जाए. तो इसके लिए हमें जो यूज करना है हम वो यूज क्यों नहीं करते? हम लोग ये आर्टिफिशियल चीजों पे बस अच्छा दिखने के लिए यूज करते हैं. लेकिन आज मैं आपको ऐसे रेमेडी बताऊंगी कि जिसका आप डेली यूज कीजिए और आपको ये आर्टिफिशियल चीजों का यूज नहीं करना पड़ेगा. आईब्रो पेंसिल प्लस मस्कारा. तो उसके लिए अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ऑयल कि जो आपको लगा डेली यूज करना है सोने से पहले. तो इस ऑयल को कैसे बनाना है देखते हैं. लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इस ऑयल को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए और चलिए देखते हैं कि इस ऑयल को कैसे बनाना है. इस ऑयल को बनाने के लिए मैं लूंगी नारियल तेल, कैस्टर ऑयल और ये है बादाम तेल. अब इसमें मैं लूंगी, ये छोटा स्पून है, छोटे स्पून से 1 स्पून कैस्टर ऑयल. और 1 स्पून बादाम का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल. ये तीनों हम सेम क्वांटिटी में लेंगे, 1-1 स्पून. और ये 1 स्पून कोकोनट ऑयल. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों को. अब ये मेरे पास एक मस्कारा बॉटल है, ये खाली हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब इसका यूज करूँगी. ये खाली बॉटल में मैं ये ऑयल भर दूँगी. अब हमारा ये ऑयल रेडी है, मैंने इसमें इसे भर रखा था. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है. इसको आपको सोने से पहले डेली नाइट में यूज करना है. इसको सोने से पहले आपको डेली नाइट में अपने आईब्रोज पर भी लगाना है इस तरीके से. जिस तरीके का आपका आईब्रो का शेप है आप उस तरीके से आईब्रो पे लगाइए उस शेप के अनुसार, और साथ ही साथ इसे आईलैशेस पे भी अच्छे से लगाइए, पूरा नीचे से लेकर अच्छे से नीचे ऐसा लगाकर थोड़ा रख दीजिए, स्टॉप करके फिर ऊपर खींचिए. तो इससे आपके जहाँ से जड़ है, जड़ में अगर ऑयल लगेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी आईलैशेस की. और आप देखेंगे कि 10 दिन में ही आपको आपके आईलैशेस में और आईब्रोज में चेंज लगेगा, ठीक लगने लगेंगे आपको. तो इस तरीके से ये जो ब्रश है, ये ब्रश, इस ब्रश से आपको अपने आईब्रोज पे मसाज करनी है. जिस तरह हमारे बालों के लिए कोम जरूरी होता है, क्योंकि उससे जब हम बालों पे कंघी करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए हमें कंघी से नर्व्स खुलती है और उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसी तरह आईब्रोज पर भी ये जरूरी है. तो वहां का भी ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो हमारा हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा आईब्रोज पर और आईब्रोज ठीक रहेंगे. तो इसीलिए इससे रोज रात को सोने से पहले इस ऑयल को लगाकर उसके बाद इस ब्रश से
हमें 2 से 3 बार ब्रश करना है। और इसके लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगने हैं, आप 5 मिनट बस दे दीजिए अपने आप के लिए, अपने ब्यूटी के लिए। तो आपको हमेशा ये जो आर्टिफिशियल मास्कारा है एंड ऑल आईब्रो पेंसिल से सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे आपकी आईब्रोज भी डार्क हो जाएंगी, ब्लैक होंगी और थिक भी होगी, और आईलैशेस भी। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल चीजों का यूज करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई आप ये सब बस 5 मिनट अपने आप को अगर आप डेली नाइट देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप सबसे पहले इस ऑयल को बनाइए, यूज कीजिए, उसके बाद आपको कैसा लगा फिर मुझे कमेंट करके बताओ। या आसान तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों की प्रॉब्लम तक ये पहुंच सके मेरा वीडियो, तो उसके लिए आप शेयर कीजिए। और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।